शाम भी कोई जैसे है नदी लहर लहर जैसे बह रही है कोई अनकहीं कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू खामोश दोनों। तो भाई XLRI जमशेदपुर की मेजरली दो एंट्री है, तो ये वाली जो एंट्री है दिस इज योर जुबली पार्क वाला एंट्री जो मेन एंट्री है। यहाँ पे आपका पूरा अकबर ओल्ड कैंपस है, ओल्ड हॉस्टल है, एंड दूसरी साइड जो वो आपका न्यू ब्लॉक है। तो पूरा एक बार देखते हैं कैसे है। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको एंट्री पे एक कंप्लीट इंडेक्स दिख जाता है। तो एक बार इसको देखते हैं किस तरह से पूरा का पूरा कैंपस डिवाइडेड है, किस तरह से बना हुआ है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये पूरा का पूरा XLRI कैंपस का आपको एक तरह से ब्लूप्रिंट दे दिया, एंड यू कैन सी द इंडेक्स। तो अगर मैं यहाँ से सबसे पहले राइट की तरफ जाऊँ तो यू सी द फेमस टाटा ऑडिटोरियम, जहाँ पे कोई भी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्वोकेशन होती है, कभी कोई बड़े गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। एंड लेट्स सी इट वंस कैसा है वो। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाटा ऑडिटोरियम XLRI, तो ये पूरा का पूरा टाटा ऑडिटोरियम है। सो लेट्स टेक अ लुक कि किस तरह से पूरा का पूरा टाटा ऑडिटोरियम आपका दिखता है। तो यहाँ पे अंदर बहुत बड़ी सिटिंग कैपेसिटी है। तो कभी भी ऐसा होता है कोई किसी कंपनी के चेयरमैन आते हैं या फिर कॉलेजेस की कॉन्वोकेशन है, वो सारी की सारी इस टाटा ऑडिटोरियम में ही कंडक्ट की जाती है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप भाई साइकिलिंग कर रहे हो मॉर्निंग में, एंड साइकिलिंग करते करते यू मीट योर प्रोफेसर, राइट, एंड वो जो है आपकी मीटिंग बहुत अनकॉमन होती है अदर बी स्कूल्स में। यहाँ पे क्या है, यहीं पे आपके फैकल्टीज रह रहे हैं, वहीं पे स्टूडेंट ब्लॉक है, तो यू गेट दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर जहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, एंड यू कैन लर्न दोज इनसाइट जो शायद आपको क्लासरूम्स में नहीं मिलते हैं, राइट। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस XL कैंपस। और इस तरह का आपको पूरा का पूरा क्लासरूम ये दिखता है। तो यू कैन सी यहाँ पे भाई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्लासरूम बना हुआ है, ताकि चाहे कोई स्टूडेंट फर्स्ट सीट पे हो या फिर कोई स्टूडेंट लास्ट सीट पे हो, उसको विजिबिलिटी का कोई चैलेंज ना हो। तो इस तरह से सीटें अरेंज रहती हैं, एक सेमी सर्कल सॉर्ट ऑफ है, जिससे भाई जो बच्चे कॉर्नर में भी है या फिर इस कॉर्नर में भी है, यहाँ पे भी टीचर उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ। एंड अगर मैं आपको सामने का व्यू दूँ तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड है जहाँ पे टीचर अपने नोट्स वगैरह लिखते हैं, दो प्रोजेक्टर हैं, सो दैट अगर कोई प्रेजेंटेशन है या फिर पूरा का पूरा कोई आपकी टीचर की प्रेजेंटेशन है, स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना है, तो हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। एक आपको पोडियम यहाँ पे मिल जाता है जहाँ पे कंप्यूटर ऑलरेडी अटैच्ड है, तो काफ़ी सारे लेक्चर में जहाँ पे PPT होती है या फिर एक्सेल का यूज़ होता है, तो टीचर्स इसको यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रहता है, एंड यस वर्थ इट। Let me move. Now Simarjit Kaur on the drums singing and on the bottom. Na tu jaane. Aapko pasand hai mujhe sunane mein. Kaisa hai ye mausam? Koi na jaane. Kahan se ye hawa aayi? Ghataaye khali kyun chahi? खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम। तो भाई मैं आपको शो करता हूँ XLRI में क्लासेस कहाँ होते हैं। दिस इज द लर्निंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्लासरूम, डिस्कशन रूम, सब कुछ आपको मिलेगा। तो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट ऑल इट हैज। तो भाई यहाँ पे जब आप एंटर करते हो तो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्कशन रूम्स मिल जाते हैं, करेक्ट। तो ये डिस्कशन रूम का जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि जब आपको ग्रुप में कोई असाइनमेंट मिलता है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, योर टीम कैन सिट हियर, एंड फिर आराम से आप डिस्कस कर सकते हो प्रोजेक्ट्स को लेके, असाइनमेंट्स को लेके। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, बिकॉज यार जब भी कोई सबमिशन होता है
एंड आपको पता है यार, कोई भी असाइनमेंट होता है तो आप करते हैं उसको जिस दिन सबमिशन होता है उससे एक रात पहले ही हो। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, जो क्लासेज हमारी होती थी वो होती थी हमारी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे बहुत सारे LH बने हुए हैं। तो LH का मतलब है यहाँ पे लेक्चर हॉल्स, है ना। जस्ट हैविंग दिस लेवल ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द फर्स्ट हाफ, आई एम जस्ट रूटिंग आउट फॉर द सेकंड हाफ एज वेल, एंड सौरभ हैज बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू गाइस, सो वी विल कैच अप इन द सेशन। इतना अच्छा भी मत कर देना कि हर बार बोले कि सौरभ से ही करवाना है। टुडे वी आर होस्टिंग इंजीनियम 3.0 व्हिच इज द फ्लैगशिप स्टार्टअप कॉन्क्लेव ऑफ XLRI जमशेदपुर। I was fortunate enough to moderate the panel. We had people from Off Business, the Zwork, which are unicorn. Both the companies are unicorn. And then we had investor panel from Kolkata Ventures. Then we had Varun from Bolt Audio. And I saw what I was hosting the session. And now we are heading towards the lunch. Sometimes that one idea may work. But at the same time, if I talk about Pratyush as well, I was having a conversation last night. And he told that we were doing one business, going well. And suddenly they decided, okay, let's separate Oxyzo, build two unicorns out of one. So Pratyush, how did your thought process come into picture that let's differentiate both the companies, make two unicorns? Because even I believe, like, when you are building such big company growing in the growing phase, it is difficult to manage that one baby and you decided to have another one. तो आप भाई जैसे ही यहाँ पे एंटर करते हो XLRI में, तो आपको एंटर करते एडमिन ब्लॉक में ये पूरी की पूरी XLRI की स्टोरी दिखती है, जैसे कि 1948 में कैसे स्टार्ट हुआ, देन कैसे कॉलेज ग्रो हुआ, कहाँ पहुँचा, क्या क्या माइल स्टोन अचीव किए। सो दिस यू कैन सी। तो भाई ये आपका भाई LC1 का लेक्चर हॉल है, एंड यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े CHROs पढ़ के निकले हैं। आप समझ सकते हो क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, क्या यहाँ पे एनवायरमेंट रहता होगा, और इस तरह से यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एंड लेक्चर हॉल 1 ये है पूरा पूरा जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। एंड अगर आप LC2 से इसको कंपेयर करोगे, क्योंकि LC1 जो फाउंडेशन है वो पहले बना हुआ है, बहुत पहले 1949 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। जस्ट इमेजिन, ओल्डेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्ट्रेट है। अब जो नए क्लासरूम बने हैं LC2 में, उनका थोड़ा सेमी सर्कल का वे दिया हुआ है ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस और बेटर हो। बट इसकी अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस है, बिकॉज यहीं से ग्रेटेस्ट ऑफ द लीडर्स निकले हैं, राइट। तो भाई इस तरह के क्लासरूम रहते हैं, आप सोचो आप दुनिया के बेस्ट माइंड के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं ना, दिस इज जस्ट अमेजिंग। तो ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ना, दिस इज द बाउंड्री। तो XLRI दो पार्ट्स में है, ये वाला ओल्ड कैंपस है इधर की साइड, एंड इधर आपका पूरा का पूरा न्यू कैंपस है। तो पहले मतलब जब XLRI कैंपस था तो वो सिर्फ यहीं तक था, और यहाँ पे फैकल्टी ब्लॉक्स थे, तो फैकल्टी सारे यहाँ पे रहते थे। बट देन ओवर द टाइम जब कैंपस का एक्सपेंशन हुआ, तो भाई इस पार्ट और उस पार्ट को मर्ज कर दिया गया, ये वाला कैंपस पूरा नया बिल्ट हुआ उधर की साइड। ये आप देख सकते हो कैंपस की ब्यूटी, एंड अभी मैं आपको शो करता हूँ अजीज जहाँ पे हम लोग डेली रात को इधर वी आर हैविंग स्नैक्स और मिडनाइट क्रेविंग्स। सो दिस इज द प्लेस यू कैन सी। तो यार आप सबको दिखाता हूँ अपना XLRI का आज हॉस्टल रूम, जहाँ पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। सो दिस इज माय हॉस्टल रूम, आप देख सकते हो। एंड क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बैटमैन लवर हूँ, तो आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हो मेरे रूम में। दिस इज माय बैडमिंटन रैकेट, एंड बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जो शायद मैंने XLRI में बहुत खेला है, अपने प्रोफेसर के साथ, टीचर के साथ, फ्रेंड के साथ, और एक स्ट्रेस बस्टर रहा है। और भाई ये वो हैप्पी स्पेस है जहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ है, यही वो रूम है, यही वो बेड है जहाँ पे पार्टीज भी हुई है, जहाँ पे रात भर पढ़ाई भी हुई है, एंड ये वो स्टडी टेबल है जहाँ पे इनफाइनाइट वीडियोस मैंने बनाए हैं अलॉन्ग विथ माई स्टडीज। इसी टेबल पे मैंने बहुत कंटेंट बनाया है, यहीं से मैंने काफ़ी क्लासेस ली हैं। एंड भाई ये रूम जो है ना, बहुत स्पेशल रूम है, क्योंकि यार जब आप डे वन पे आते हो ना, और जब आप इस रूम में एंटर करते हो, आपको बहुत अलग लगता है, आपको लगता है मैं कहाँ पे आ गया, एलियन फीलिंग में आ गया। बट जब आप अपनी MBA कंप्लीट कर रहे होते हो उसके बाद, आपको पता है इस रूम ने बहुत कुछ आपके साथ देखा है, बहुत सारी मेमोरीज हैं, यहीं पे हम रोए भी हैं, यहीं पे हम पूरी रात पढ़ाई भी करी है, यहीं पे दोस्तों के साथ बैठ के पूरी पूरी रात हम लोग सीक्वेंस खेला करते थे। ऐसी मेमोरीज है शायद मेरे लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाली है, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर बीन टू एंड आई विल एवर बीन टू। दिस इज सौरभ कोठारी साइनिंग ऑफ फ्रॉम हॉस्टल B40 XLRI जमशेदपुर Batch 23। भाई यहाँ पे हम वॉक करते करते आ गए हैं XLRI की लाइब्रेरी की तरफ, तो यू कैन सी श्री जहांगीर लाइब्रेरी। तो भाई ये लाइब्रेरी में सिर्फ तब आया हूँ जब यू हैव टू कलेक्ट योर बुक्स, उसके अलावा आई प्रेफर टू स्टडी इन माय रूम। सो लेट्स सी आज कौन कौन सी बुक्स मिलने वाली है। तो भाई जब आप एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आ जाते हो, तो इतना सब आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये मेरी काफ़ी सारी बुक्स है, नोट्स हैं, हैंड आउट्स है,
जो प्रोफेसर्स ने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए दिए हैं, एंड इतना सब कुछ पढ़ना, इनको समझना, आप 2-3 महीने पढ़ते हो एक सब्जेक्ट समझ में आता है एंड देन एग्जाम्स आ जाते हैं। बट यही तो लर्निंग है ना, कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीखना लाइफ में, किस तरह से सारी चीज़ों को पिक करना, टाइम को प्रायोरिटाइज करना, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, सबमिशंस, डेली क्विजेज हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, इसी के बीच में आपकी जो पर्सनैलिटी ग्रूम होती है एंड यू इवॉल्व एंड यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अभी हम लोग आ गए हैं तमाशा एंड दिस इज आफ्टर नाइट फन, एंड अभी तो फन स्टार्ट हुआ है। ये बताइए ऐसे टाइम पास, दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट आफ्टर ईच टर्म। हां तो दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट आफ्टर ईच एग्जाम। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है, कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू। है खामोश दोनों के बुम 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 पारा पारा, है मदहोश दोनों जो गुमसुम गुमसुम है ये फिजाएं, जो कहती सुनती है ये निगाहें, गुमसुम गुमसुम है ये फिजाएं है ना। ये जो पीछे बोर्ड दिख रहा है आपको, ये एक स्टूडेंट रन इनिशिएटिव है, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ही इस कैफे जैमपॉट को स्टार्ट किया एंड देन वो उसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं एंड हर साल नए स्टूडेंट्स आते हैं और वो इस कैफे को रन करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो वाइब है कि अपने लेवल पे कुछ करके देखना है, एक पूरा बिजनेस प्लान कर रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। रात को यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स होते हैं एंड देन दे ऑल इन्जॉय। तो इधर जब आप सामने देखते हो तो आपको पूरा LC2 दिखता है, जहाँ पे लर्निंग सेंटर 2 है, इंटरनेशनल सेंटर 2 है एंड यहीं पे आपके फैकल्टीज रहते हैं, यहीं पे टीचर्स रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यार, कि आप जब यहाँ पे वॉक पे निकलते हो तो आपको पूरा का पूरा भाई एक तरह से वो एक्सपीरियंस मिलता है कि आप टीचर से मिल जाते हो, वहाँ पे सीखते हो, उन्हीं से लर्निंग लेते हो और इसी तरह से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस डेवलप होता है, ठीक है। और यहीं पर भाई ये आपका पूरा का पूरा ओल्ड कैंपस ख़त्म होता है, इधर आप देखोगे पूरा का पूरा न्यू कैंपस की बिगनिंग हो जाती है। पहले जो टीचर्स वगैरह का स्टाफ था, जो उनका रेजिडेंस था, वो कैंपस के बाहर था, बट क्योंकि अब दूसरी साइड में न्यू कैंपस बन गया तो टीचर्स आपके सेंटर में आ गए, विच गिव्स अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स कि वो उनसे बात कर सकते हैं, शाम को वॉक पे जा सकते हैं, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं एंड एक डिफरेंट परस्पेक्टिव देख सकते हैं। चलो भाई यहाँ पे लेट्स टेक फीडबैक कि भाई यहाँ पे कैसा, हाउ द पीपल आर एंजॉइंग देयर मेस फूड। तो लेट्स टॉक टू सम ऑफ द क्लासमेट्स। भाई कैसा है, हाउ इज द लंच? गुड। तो ओके आर्यन भाई कैसा लगा तुम्हें पिछले एक साल में? लंच ब्रेकफास्ट डिनर? या इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऐसा बोलना पड़ रहा है वीडियो में कि सही में? सही में, आई फील फ्रॉम माय हार्ट। गुड है। सो लाइक कैसा रहा एक्सपीरियंस विद योर लंच ब्रेकफास्ट डिनर, जो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्किप किया है? मिक्स बैग है, कभी कभार अच्छा होता था, अच्छा होता नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। सो द फन पार्ट इज दैट कि हम लोगों ने मेस में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे स्किप किया है एंड ये हो गया एंड देन हमारा एक फ्रेंड है सिमर एंड वी ऑल हैव ऑलवेज मिस्ड लंच एंड डिनर, कभी कभी यहाँ पे आए हैं लेकिन जब भी आए तब वी हैव एंजॉयड। तो भाई मैं आपसे अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ कि यार इस कैंपस में मेरा भाई कैसे एक्सपीरियंस रहा था, यार ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि यार जब भी आप ऐसे प्रोफेसर से सीखते हो, क्योंकि यार आपको पता है XLRI पूरे इंडिया का ओल्डेस्ट MBA कॉलेज है, बहुत बार HR में इसको एशिया का बेस्ट कॉलेज भी बोला जाता है, इंडिया में तो नो डाउट इट इज़ नोन एज वन ऑफ द बेस्ट HR कॉलेज एंड BM प्रोग्राम की भी इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स होती है, 1 year प्रोग्राम का इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। सो अमेजिंगली द कॉलेज इज डूइंग फैबुलस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ गिविंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको अपना डोमेन चेंज करना है, लोग BTech से, BBA से, BCom से, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, ड्रीम कंपनीज यहाँ पे आती हैं। भाई आपने देखा हुआ XLRI में ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज हैं, फ्रॉम योर MBBs McKinsey, Bain, BCG, फ्रॉम योर बिग फोर EY, PwC, KPMG, Deloitte, वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बट मोर देन जॉब्स, मोर देन अ वेरी हेफ्टी पैकेज, आपकी जो यहाँ पे लर्निंग है ना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं बहुत एक्सट्रीमली स्कॉलर हैं, ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा सीखने को मिलता है, आपका पीयर ग्रुप ऐसा होता है, जस्ट इमेजिन अगर एक बैच में, हर एक बैच में अगर एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 2 years है और एक कोर्स में लेट्स से
140-150 बच्चे हैं, तो 150-300 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एक रूफ के नीचे बैठ के सीख रहा है। तो वो जो एक्सपोजर है ना, वो जो लर्निंग है, वो आपको एक टॉप एमबीए कॉलेज में मिल सकती है। और मुझे लगता है यही वो लर्निंग है, यही वो थॉट प्रोसेस है, यही वो रीजंस है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है पूरे कॉर्पोरेट करियर में। वर्ल्ड वाइड इस कॉलेज को भाई वन ऑफ द बेस्ट रेटेड कॉलेज माना जाता है। एंड उसका रीज़न ये है कि एकेडमी इतना स्ट्रॉन्ग है, टीचर्स सिखाते इतना अच्छे हैं, स्टूडेंट्स को इतना डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है, एंड दैट ऑल रिमेन्स विद योर लाइफ टाइम।